शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये सब क्या हो रहा है बेटा? पहले तेरे हाथों चाचा जी का खून, फिर ये सलाखें, ये मुझ बदनसीब और मनहूस औरत का साया है जो तुझ पे पड़ा है। अरे नहीं नहीं मौसी, तुम अपने आप को क्यों कोस रही हो? ये जो कुछ भी हुआ है मेरे जुर्म की वजह से थोड़ी हुआ है, ये मेरे सच भूलने की वजह से हुआ है। दिल का अच्छा हो ना, दिमाग वाले फायदा उठा ले। तूने मेरी खातिर अपनी जबान बंद रखी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि मेरी खातिर। नहीं नहीं मौसी, ये जुल्म मत करना तू मुझ पर। फांसी के तख्ते पर चढ़ जाने की हिम्मत है मुझ में, मगर इतनी ताकत नहीं है कि मैं कि तुमसे पूछे जाने वाले वकीलों के गंदे और घिनौने सवालों को सुन सकूं। कसम है तुम्हें मेरे सर की, तुम इस राज को राजी रखोगी मौसी? वाहरी औरत वाह, क्या रूप दिखाया है तूने! मेरे अमर के साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे बेटे ने तुझे क्या समझा और तू क्या निकली? सर क्या झुकाती है, आंखें मिलाकर बात सुन डायन। आप होश में तो हैं? मेरे अमर को सजा दिलवाकर तू जितने चाहे मेडल जीत ले, लेकिन इस अबला की बद्दुआ है तुझे कि भगवान करे तेरी गोद कभी न भरे, तू औलाद को तरसे, तब तुझे पता चलेगा तुझे औलाद का दर्द क्या होता है। एसीपी साहब, हम प्रेस वाले ये जानना चाहते हैं कि पुलिस वालों को कैसे शक हुआ कि रामकुमार सक्सेना ने खुदकुशी नहीं की? अदल से दो दिन पहले मेरी रामकुमार सक्सेना से मुलाकात हुई, अच्छा खासा आदमी लगा। एक पल भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये आदमी जिंदगी से या बीमारी से तंग आकर कभी खुदकुशी कर सकता है। हंस रहा था पर अचानक उसकी खुदकुशी की खबर सुनने के बाद शक हुआ और हमने उसके कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। कैसे? हमने एक मनगढ़ंत प्रेम कहानी बनाई जिसका हीरो रोहित नाम का एक कैरेक्टर था जो सीमा से प्यार करता था, और रोहित की मौत की खबर सुनने के बाद सीमा को सदमा पहुंचा और वो कोमा में चली गई। अब ये जो सीमा का रोल है वो मेरी बेटी इंस्पेक्टर सीमा ने किया, और मैंने एक भिखारी गरीब मजबूर बाप का रोल किया, आपने डॉक्टर का रोल किया, आप खड़क सिंह बने थे, आपने मेजर का रोल किया, ये मिसेस गायकवाड़ बनी थी, और अनवर जो मरे हुए रोहित का दोस्त था। अमर सक्सेना ने इस कहानी को सच मान लिया और वो सीमा को नई जिंदगी देने के लिए रोहित बनने को तैयार हो। लेकिन उस खत का क्या हुआ जो खुद रामकुमार सक्सेना ने खुदकशी से पहले लिखा था? वो खत ही था जिसकी बदौलत हमारी छानबीन शुरू हुई, और मेरा शक यकीन में उस वक्त बदला जब अमर से सीमा ने अपने ही क्रेडिट कार्ड पर अपनी सिग्नेचर की नकल करवाई। जो इंसान बिना प्रैक्टिस किए किसी की सिग्नेचर की हूबहू नकल कर सकता है, वो अपने चाचा की जायदाद हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। सर, इस केस में अहम भूमिका निभाने वाली मिस सीमा का इस कॉन्फ्रेंस में ना आने का कारण क्या है? डैडी, जिन हालात में अमर के हाथों अपने चाचा का खून हुआ तो क्या गलत हुआ? मैं आपसे पूछती हूँ,
अगर आप अमर की जगह होते और मेरी इज्जत पर बराती तो जज्बात में आकर आप क्या करते? मैं जाके पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता, अपने जुर्म का इतराफ करता, मगर अमर ने फरेब किया, धोखा किया। उसने एक मरे हुए इंसान की लिखाई की नकल की, उसके मर्डर को खुदकुशी साबित किया और कानून को धोखा देकर समाज में इज्जतदार इंसान बनकर रहने लगा। दैट्स अ ब्लडी क्राइम, इज अ क्रिमिनल, वो मुजरिम है। उस मुजरिम को ऐसी सख्त सजा दिलाऊंगा ये उसकी आत्मा का फूटेगी, याद रखना। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। एक तरकीब है जिससे मैं अमर को कम से कम फांसी की सजा से तो बचा ही सकता हूं। कौन सी तरकीब वकील साहब? मुझे ऐसे सबूत और ऐसे गवाह इकट्ठे करने होंगे जो ये साबित कर सकें कि अमर के दिमागी हालत ठीक नहीं है और कत्ल करते वक्त वो अपने होश और हवास में नहीं था, या यूं कहिए कि अमर पागल है। योर ऑनर, अमर को फांसी के फंदे से बचाने के लिए ये मेरे काबिल दोस्त की एक चाल है जिसके तहत इन्होंने इसे पागल करार देकर अदालत में खड़ा कर दिया है। योर ऑनर, मैं अमर से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? हाँ तो अमर। हाँ तो वकील साहब। ये बताओ तुमने अपने चाचा का कत्ल क्यों किया? ऐसी बात करते हैं आप वकील साहब, चाचा और भतीजे का रिश्ता तो वैसा होता है जैसे अंडरवेयर एंड नाड़ा। द रिलेशनशिप ऑफ अंकल एंड नेफ्यू इज लाइक अ रिलेशनशिप ऑफ अंडरवेयर एंड नाड़ा। अंडरवेयर इज बिग, हेंस इट इज अंकल, नाड़ा इज स्मॉल, हेंस इट इज नेफ्यू। No underwear in this world can live without nada, and no nada in this world can live without underwear. Because they are inseparable, they love each other, they are incomplete without each other. That's why they have to live together. एक साथ धोबी घाट पर धुलने के लिए जाते हैं, एक साथ सूखते हैं और दोबारा मैले होकर धोबी घाट पर चले आते हैं। अंडरवेयर और नाड़ा से दुनिया को एकता का सबक लेना चाहिए। चाचा साहब, मैं वकील साहब से पूछता हूँ, क्या आपने अंडरवेयर पहनी है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने अंडरवेयर पहनी है कि नहीं? बिल्कुल पहनी है। अगर आपने पहनी है तो आप अपने घर में जाकर चेक कीजिए और अपने अंडरवेयर से पूछिए क्या वो नाड़े के बगैर रह सकती है। नहीं, वो छत से नीचे गिर जाएगी। और आप अपने नाड़े से पूछिए क्या वो अंडरवेयर के बगैर रह सकता है। अगर अंडरवेयर ही नहीं पहनी है तो नाड़ा पहनने का फायदा क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ वकील साहब, आप भूल रहे हैं कि आप भी किसी की अंडरवेयर है और आपका भी कोई नाड़ा है। जज साहब, आप इस नाड़े को देखिए, आपको लगता है कि ये नाड़ा अपने हाथ से अपनी अंडरवेयर का गला घोट देगा? ये लोग मुझ पर फजूल के इल्जामात लगाए जा रहे हैं जज साहब। मैं सच कहता हूं, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैंने किसी अंडरवेयर का कत्ल नहीं किया है। ये नाड़ा बेकसूर है जज साहब, ये नाड़ा बेकसूर है जज साहब। I object, Your Honor. आप एक घटिया किस्म की अंडरवेयर है, आप नाड़े के जज्बात को नहीं समझ सकते वकील साहब। I object, Your Honor. आप बकवास कर रहे हैं। नाड़े की बात करके अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मिनॉर्ड, ये अदालत की तौहीन नहीं है बल्कि एक मासूम इंसान की जिंदगी को तबाही से बचाने की कोशिश हो रही है। पागल इंसान के लिए कोर्ट की इज्जत क्या और कोर्ट की बेइज्जती क्या? मैं तो आपसे अर्ज करता हूं कि ऐसे मासूम इंसान को मुजरिम कैसे साबित किया? योर ऑनर, ये दोनों पार्टी पागल हो गई है। मेरे हिसाब से ये दोनों पार्टी को अंडरवेयर और नाड़ा पहनाकर पागल खाने भेज देना चाहिए। यह अदालत तब तक मुलतवी की जाती है जब तक अमर की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती, और यह अदालत अमर को पागलखाने में रखकर उसका इलाज करने का हुक्म देती है। आप तो जानती हैं कि सक्सेना साहब के सारी जायदाद का वारिस अकेला अमर ही है। कितनी हैरत की बात है कि जिस चाचा का अमर ने कत्ल किया उन्होंने मरने से पहले ही अपनी सारी जायदाद अमर के नाम कर दी थी। मेरा जायदाद अमर के नाम हो गई है। मैंने उसे आज तक इसी दिन के लिए जिंदा रखा था, लेकिन अब उसका मर जाना बहुत जरूरी है। वैसे भी पागलों की जिंदगी क्या जिंदगी होती है, वो किसी के काम के नहीं होते, खासकर ये पागल तो धरती का बोझ है। बोझ बोझ उतर जाएगा। पैसा फेंक, तमाशा दे।